एम्बुलेंस घटना को लेकर आप पीड़ित के घर पहुंचे, क्या कहेंगे? इस दुख के घड़ी में पूरा जिले के जितने भी हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं एवं जितने हमारे समाज के लोग हैं, सब में इस घटना को लेकर जो इस तरीके से निंदनीय घटना हुई है, सब में आक्रोश है। और मैं राजकुमार कश्यप, निषाद पार्टी बस्ती मंडल प्रभारी, या हमारे जितने भी निषाद पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, आप सभी जो इस दुख के घड़ी में आपके दुख में सहभागिता करने आए हैं, आप सभी यह चाहते हैं कि इस तरीके के जो भी इस तरीके का कृत्य किया हो, वो चाहे जो भी समाज का हो, ठीक है, और चाहे जिस समाज के साथ ऐसा होता है, ठीक है, शासन प्रशासन से या हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी मतलब सज़ा मिले, और इस गरीब आदमी को या इस तरीके के जो भी घटनाएं होती हैं उसमें गरीब परिवार को मुआवजा के रूप में कुछ मिल सके, कि जिससे इनका परिवार, इनके छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, ठीक है, इनका मतलब देख लीजिए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बालिग है, तो आज से इस परिवार का बहुत समझिए दुख की घड़ी आ पड़ी है। ऐसे परिवार के आज से ही इनका मतलब जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। तो मैं तो शासन प्रशासन से या अपने निषाद समाज के गौरव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से यही निवेदन करते हैं कि आप इस दुख के घड़ी में या इस निषाद परिवार के साथ आप कंधा से कंधा मिलाकर चलें और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई मान लीजिए करें। और इस तरीके से हमारे ज़िले में कहीं भी मतलब किसी भी समाज के साथ इस तरीके की घटना होती है तो निषाद पार्टी मतलब वहाँ हमेशा संघर्ष करेगी और लड़ाई लड़ेगी। आज एम्बुलेंस घटना को लेकर आप पीड़ित के घर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों को जब से जानकारी मिली कि एक निषाद समाज की बहन के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार जो हॉस्पिटल के लोगों ने और जो एम्बुलेंस चालक थे दो लोग, जिनका नाम वह परिवार दुखी है जो जान रहा है, इस तरह से निंदनीय घटना है। और इसको मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा है, और राहुल गांधी जी ने जो जितने बड़े नेता सभी लोगों ने जान रहा है। तो अगर इस तरह से निषाद समाज के साथ घटना हो रहा है, कल किसी के साथ घटना हो सकती है। तो हम लोग निषाद पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं आज यहाँ इस जो है दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। चाहे जो भी कुछ करना पड़े हम लोगों को, हम लोग करेंगे, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं दिला देंगे। कल हम लोग जाएंगे, माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से भी मुलाकात करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से पीड़ित परिवार को लेकर हम लोग मुलाकात करेंगे, और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिलाएंगे। और यह बहुत गरीब परिवार है, हम लोग देखे हैं, इस गरीब परिवार की हर किता से इनकी मदद किया जाएगा, जो भी, चाहे वो सरकार द्वारा हो चाहे समाज से हो, हम लोग मदद करेंगे। चूँकि ये निंदनीय है पूरे देश और प्रदेश में, यह जो घटना हुआ है छोटी घटना नहीं है। आज निषाद समाज के साथ हो रहा है, कल दूसरे जाति बिरादरी के साथ होगा, तो क्या ये लोग बर्दाश्त थोड़ी करेंगे? लेकिन हम लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे और न्याय दिलाकर इस परिवार को रहेंगे, और हम लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं।